मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 3 में संस्कृत और उसमें हमारा जो पाठ है वो है पाठ 8 अस्मान्तम रेणु हमारी गाय। इस पाठ में आपको हिंदी में अनुवाद, पाठ का अनुवाद और शब्दार्थ पिछले चरण में हो चुके थे। आज हम आपको उसके वाक्यांशों के हिंदी में अर्थ दिखाएंगे, तो आप लोग पुस्तक निकाल लीजिए और देखिए देखिए। पहला नंबर है मानव भेदों वे
सफेद रंग की है, सफेद है, एक गाय कैसी है, सफेद रंग की है। मातृवत मानते, माता के समान मानते हैं। अगला है संस्कृत में अनुवाद के लिए, दूसरा
हुआ। हमारी गाय सफेद रंग की है। आपके
व्यायाम की बहुत उपयोगिता है। एक बार मैं आपको बताऊंगा इसमें एक बार तीन बार और बता देता हूं, क्योंकि आप लोग हो सकता है कुछ लोगों ने ना देखा हो, ना जुड़े हो, एक बार और बताता हूँ जिसको आप देख सकते हैं। अस्मातम धैनु अस्ति, यह हमारी गाय है। धैनु स्वेद धैनु प्रणम खादति मधुरम दुग्धम ददाति च, गाय घास खाती है और मीठा दूध देती है। मधुरम दुग्धम ददाति च, हमारी गाय सफेद रंग की है। मातम देनो स्वयं बनास्ते देनो पुत्रता सरला पशु, गाय स्वभाव से बहुत सीधा सरल जानवर है। पुत्रता सरला पशु भारत पर से देनो नाम महती उपयोगिता है। इस भारत देश में गाय की बहुत बड़ी उपयोगिता है, बहुत अधिक उपयोगिता है। धेनु वर्षा हरिण सिंहम दर्शनती, गाय के बछड़े खेतों में हल जोतते हैं। धेनु गौ माता कथते, गाय को गौ माता के कहा जाता है, गौ माता सब लोग कहते हैं। गौ माता कथते जरा काम मातृत्व मान्यंती, लोग से माता के समान मानते हैं। तमाम पालन राष्ट्राय श्रेष्ठ कर्म भवति, गायों का पालन हमारे राष्ट्र हमारे देश के लिए श्रेष्ठतर है, उत्तम है। इसे हमारी संस्कृत में माना गया है। भारत देश में प्राचीन कालात एवं पालन क्रियते, भारत देश में प्राचीन काल से पुराने समय से गायों का पालन किया जाता रहा है। ये तो अनुवाद हो गया। अब इसके बाद इसके आगे का हम आपको पुनः एक बार जो आगे प्रश्न है उनको लिखाएंगे इसी पाठ में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।